करंट ऊपर के तरफ, ओके, करंट ऊपर के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के तरफ मतलब इसको पकड़ के लेकर आना है बाहर, तो करंट नीचे हो गया, करंट को लेना है ऊपर, सो करंट ऊपर, तो देखो फोर्स मेरा यहाँ पर हुआ। हाय, सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर। सो ये चैप्टर एक्चुअल में देखा जाए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें से कॉन्सेप्ट्स की बारिश होती है अगर इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछने चालू हो जाएं। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम न्यूमेरिकल्स में गॉसियन सर्फेसिस एंड ये सब इमेजिन करते हैं, तो यहाँ पर भी हम एम्पियर के लूप्स हम इमेजिन करते हैं, ओके तो उसी तरीके का थोड़ा ये चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो रहा है किसी वायर से तो आसपास उसके मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये सबसे पहले पहले हमें बताया था ऑयस्टर ने, क्लास 9th या 10th में हमने स्टडी किया था, ओके। यहाँ पर इस चैप्टर में कई बार मैं ऐसा ड्रॉ करूँगा कुछ सर्कल, कभी कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा, इसका मतलब क्या है, देखो कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डॉट बनाऊं या क्रॉस बनाऊं, तो आप इमेजिन करो एक एरो, ठीक है, अगर आपके पास एक एरो है और एरो अगर अंदर जा रहा है, स्क्रीन के एरो अंदर जा रहा है, तो आपको क्या नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, तो जिसको हम क्रॉस बनाते हैं। अगर एरो आपके तरफ बाहर आ रहा है, जैसे कि ये समझो आपके तरफ बाहर आते जा रहा है, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको सिर्फ एक पॉइंट नजर आएगी, तो पॉइंट मतलब फील्ड हमारी बाहर आ रही है हमारे पेपर से या फिर हमारी मोबाइल की स्क्रीन से। सो ऑयस्टर्स ने सिर्फ बताया था कि जैसे ही करंट पास होता है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बट मैक्सवेल ने तो सब कुछ कंक्लूड कर दिया, उसने तो एकदम प्रूफ दिए कि सब कुछ रिलेटेबल है, एंड चार इक्वेशंस उसने बनाई जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार आपने मैक्सवेल इक्वेशन समझ ली तो यू लूज योर वर्जिनिटी इन फिजिक्स, ओके, ऐसा कहा जाता है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना हाई लेवल चीज़ है यहाँ पर, ये सब चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ मेरे BSc फिजिक्स चैनल पर, ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। उसके बाद एक टॉपिक आता है कि अगर आप करंट, दो वायर्स हैं हमारे पास पैरेलल, और दोनों में समझो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो वायर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को करती हैं अट्रैक्ट। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बह रहा है, तो वो वायर्स एक दूसरे को करती हैं रिपेल। ये यहाँ पर उन्होंने एक्टिविटी तौर पे दिया है, बट आगे चैप्टर में अगर आप देखें तो डिटेल में पूरा का पूरा टॉपिक है जो हम वहीं पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, ओके। सो ये फोर्स कौन सा है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं है, बिकॉज वो तो चार्ज से रिलेटेड होता है, कुछ तो अलग चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड वो क्या है, वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का के वजह से जो फोर्स है वो है, ओके। सो इसके बाद आ जाता है राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट, कि अगर यहाँ पर एक करंट बह रहा है एक वायर से, तो अगर मैं राइट हैंड कंसिडर करूँ, तो राइट हैंड को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, एक थंब एक फिंगर्स, तो थंब मेरा ऊपर की तरफ है, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर्स कैसे जा रही हैं, तो फिंगर्स देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब देखो यहाँ पर मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पर ऐसा कुछ बनाया है, बिकॉज मेरी फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, तो ये जो है डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके। यानी कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट कुछ ऐसा बह रहा है, तो उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर बनेगी, ओके, लाइंस ऑफ फोर्स होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के। सो दिस वाज अबाउट राइट हैंड थंब रूल। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, तो ये आ जाता है वही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, कि समझो ये एक वायर है, ओके, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ये एक दूसरी वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो अभी मुझे इस वायर पे अप्लाई करना है राइट हैंड थंब रूल। क्या अप्लाई करना है, राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या नजर आ रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है एंड ये डायरेक्शन पूरा का पूरा ऐसा है, ऐसा है मतलब इस पॉइंट पे कैसा होगा, तो इस पॉइंट पे मेरी फील्ड अंदर के तरफ जा रही होगी, इस पॉइंट पे मेरी फील्ड कौन से डायरेक्शन में जा रही होगी, अंदर के डायरेक्शन में करके देखो। अगर आप ऐसा ऊपर थंब पकड़ रहे हो तो आपकी फिंगर्स देखो, ये यहाँ पर मेरी वायर है, तो देखो इस तरफ मेरी पूरी फिंगर्स कर्ल होके ऐसे अंदर के तरफ टेंड करेगी, नहीं समझ रहा है, यहाँ पर देखो ये फील्ड कहाँ जा रही है, ये फील्ड अंदर के तरफ जा रही है ना, इस तरफ, ओके। सो बेसिकली यही हम बनाते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी क्रॉस में फील्ड हमारी बन रही है, ओके। सो अगर फील्ड क्रॉस में है, अभी लगाना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अभी करंट ऊपर के तरफ है, मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है करंट, ये है मेरी मिड, ऊप्स नहीं दिखानी चाहिए मिडिल फिंगर, ये इंडिकेट कर रही है करंट,
फर्स्ट फिंगर इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इंडक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, मैंने क्रॉस बनाया है. ओके, सो फोर्स कहाँ है, तो फोर्स मेरा इस तरफ है. सो देखो यही फोर्स आएगा मेरा इस तरफ. ओके, सो ये फोर्स इस तरफ है, तो बेसिकली यहाँ से भी अगर आप सेम अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स इस तरफ आएगा. तो वही तो पीछे बताया था मैंने कि अगर दोनों सेम वे में करंट जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, यहाँ पर आप अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, पहले इधर राइट हैंड थंब रूल लगाओ इस वायर पे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है. मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो वो मैंने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है. सो उसके बाद करंट ऊपर की तरफ. ओके, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ. मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मतलब इसको पकड़ के लेकर आना है बाहर. तो करंट नीचे हो गया, करंट को लेना है ऊपर. सो करंट ऊपर, तो देखो फोर्स मेरा यहाँ पर हुआ. सो फोर्स इस तरफ है, तो बेसिकली वही है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये JEE नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में थोड़ी आप ऐसे उंगलियाँ उधर बना के दिखाओगे, उधर तो रट्टा ही मारना पड़ेगा. मतलब भाई उधर थियरी में लिखना है, JEE नीट में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तब आपको एक्चुअल में चीजें करनी है. उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. समझो एक चार्ज है, वो घूम रही है, तो उस पर कौन से फोर्स लगेंगे. इमेजिन करो दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, जिसको हम फेमसली बोलते हैं कि क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा. ओके, सो क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, बस दोनों को ऐड कर दो. सो ये होगा जो टोटल फोर्स है उसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस मैग्नेटिक फील्ड का. क्यू कॉमन निकाला है, नथिंग एल्स. ओके, ये तो पहले भी पढ़ा है. फिर आ जाते हैं दो केसेस, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी है ना. वी क्रॉस बी मतलब क्या होगा, वी बी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ जीरो होता है जीरो, तो यानी कि फोर्स हो जाएगा यहाँ पर पूरा का पूरा जीरो. यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा अगर वेलोसिटी और फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल है तो. और अगर समझो वेलोसिटी जीरो है, इन केस वेलोसिटी ही जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो मेरा फोर्स जीरो होगा, राइट, फोर्स जीरो होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं है कि जीरो नहीं हो. ओके, सो ये दो केसेस हैं, स्पेशल केसेस. बिकॉज फोर्स क्यों जीरो होगा, बिकॉज एक कंपोनेंट जीरो है. एक कंपोनेंट जीरो है इसका मतलब ये थोड़ी कि ये भी जीरो था, वो तो जस्ट उससे मल्टीप्लाई हो गया तो सब कुछ जीरो बन जाता है. फिर उसके बाद थोड़ा सा थियोरेटिकल डिस्कशन है कि क्या किस पे डिपेंड कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे. देखो क्यू दोनों में है, यहाँ पर भी क्यू ई है, यहाँ पर भी क्यू वी बी है, तो क्यू क्यू तो सेम है. देखो मैंने ग्रीन बार दिखाया है, मतलब वो तो सेम है. सो इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जबकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी और स्ट्रेंथ के क्रॉस प्रोडक्ट पे. यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ पर डिपेंड कर रहा है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पे. तो बेसिकली अगर इनके क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है तो आपको पता होगा अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इन पे 90 डिग्री आता है. ओके, सो 90 डिग्री मतलब ऊपर, तो ये फोर्स भी इसी के अक्रॉस रहेगा क्योंकि वो मैथमेटिकली दोनों इक्वल हैं. सो ये ऊपर चला गया, यानी कि फोर्स और इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उन दोनों का एंगल होगा परपेंडिकुलर. तो बेसिकली हम वही कहते हैं कि वी डॉट एफ एम इज इक्वल टू दी जीरो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जीरो. डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब वही कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है कॉस ऑफ 90. कॉस ऑफ 90 कितना होता है, वो होता है जीरो. सो बेसिकली वर्क डन नहीं होता है मैग्नेटिक फोर्स में. ओके, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. आपको पता होगा वर्क डन इज इक्वल टू दी एफ डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जीरो. मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ बट ये वन शॉट है, दिस इज द वे इट गोज. वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर आप यहाँ पर एफ लिखते हैं तो आप सेफली यहाँ पर लिख सकते हो क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा. बट अगर यहाँ पर आप वेक्टर नोटेशन लगाते हो तो देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मैग्नीट्यूड भी लिखो और डायरेक्शन भी लिखो. तो डायरेक्शन के लिए हम लिख देते हैं एन कैप. सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, दिस पार्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. एग्जाम में आप एन कैप नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट फिर यहाँ पर वेक्टर भी मत लिखना, आप सिर्फ एफ लिखना. सो एफ इज इक्वल टू डी क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप. एंड उसमें से बी का फॉर्मूला एंड बी का यूनिट ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बी को याद रखो इन टर्म्स ऑफ टेस्ला. पहले इजी नहीं होता था, आजकल टेस्ला सबने सुन लिया है तो बेसिकली ईजी है वो भी याद रखना.
यहाँ से स्टार्ट होती है डेरिवेशन ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट. वायर कैरिंग करंट जो कि एक वायर सीधी हो सकती है या फिर एक कैसी भी शेपलेस वायर हो सकती है, यानी किसी भी शेप में, या फिर एक पूरा का पूरा क्लोज्ड लूप भी हो सकता है. सो सबसे पहला केस है, इसमें हमने एक वायर कंसिडर की है. ठीक है, एक वायर हमने कंसिडर की है. जस्ट हम 1D नहीं बनाते हैं वायर, पूरा का पूरा हम 2D बनाते हैं जैसे दिखती है वायर. ओके, सो वायर के अंदर मैग्नेटिक, वायर से बाहर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. बाहर के तरफ मैंने आपको बताया ऐसे पॉइंट के तरफ फील्ड बाहर आएगी. सो यहाँ पर है पॉइंट. ओके, एंड वायर में करंट इस तरीके से बह रहा है इस तरफ. ओके, सो करंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगा? सो इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा. एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है. तो ये यहाँ पर जो भी मैंने आपको समझाया ये इसी डायग्राम में मैंने बनाया है. सो हमें पता है क्यू इज इक्वल टू डी होता है IT, राइट. एंड टी होता है स्पीड इज इक्वल टू डी डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो बेसिकली टाइम इज इक्वल टू डी होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस कितना है, ये है टोटल लेंथ. स्पीड कितनी है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो टाइम का ये एक्सप्रेशन अगर यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे ये चार्ज का एक्सप्रेशन मिलेगा. ठीक है, एंड यहाँ से एफ इज इक्वल टू डी क्यू वी क्रॉस बी. ओके, क्यू के जगह ये एक्सप्रेशन पुट कर दीजिए और वहाँ पर बी साइन टीटा वी डी जो भी है जैसा वो तो वैसा ही रहेगा. वी डी बी साइन टीटा यहाँ से हमें मिलेगा. सो वी डी और वी डी यहाँ वाला कैंसिल. सो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा. और ये यहाँ पर 90 डिग्री किसके बीच का एंगल है. सो बी मेरा बाहर की तरफ है, बी इस तरफ आ रहा है. ओके, और वी मेरा इस तरफ है वायर में. सो ये एंगल कितना हुआ, एंगल हुआ 90. साइन ऑफ 90 इज 1. सो एफ एम इज इक्वल टू दी ILP. तो ये बोर्ड एग्जाम्स में आपको फाइनल आंसर याद रखना है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डेरिवेशन करते 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 फाइनल आंसर भूल जाते हैं. तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से याद रखना स्टार्ट करो. ओके, सो इस डेरिवेशन का आंसर क्या है, इस डेरिवेशन का आंसर है ILB, सिंपल. उसके बाद तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं कि अगर परपेंडिकुलर बी नहीं है, बी अगर ऐसा परपेंडिकुलर नहीं है किसी और डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होगा. कुछ भी न्यू नहीं है इसमें. ओके, अभी समझो कोई भी आर्बिटरी शेप है, कैसा भी शेप है, तो उसमें फिर अगर कैसा भी शेप हो तो उसमें आपको पता होगा हम एक छोटा सेक्शन कंसिडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं DL. उसी DL को हम फॉर्मूला लगाते हैं, देन उसी का इंटीग्रेशन करते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ DL हमें टोटल लेंथ मिल जाती है. सो वही लॉजिक, DL पे फोर्स कितना लगेगा, पूरा फोर्स लगेगा F? नहीं, तो वहाँ पर कुछ छोटा फोर्स लगेगा DFM. आए करंट तो सेम ही बहेगा ना वायर के थ्रू. करंट 5 एम्पियर है तो वो पूरे के पूरे वायर में 5 एम्पियर ही रहेगा. DL और B कहाँ आ रहा है, वापस से बाहर की तरफ आ रहा है. ओके, ये बाहर की तरफ अजम्पशन है, आप अंदर की तरफ भी ले सकते हो. ये जनरल डेरिवेशन है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है इनमें. ओके, सो दैट्स इट. इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा आए इसी पे, इसी टर्म पे. सो इंटीग्रेशन में आए बाहर आ जाएगा. ओके, DL है, B कॉन्स्टेंट है. सो बेसिकली कुछ ऐसा टर्म मुझे मिल जाएगा. तो यूजुअली इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, बट जनरल केस है, मुझे नहीं करना है आगे. सो देखो बुक में भी यहीं पे छोड़ दिया है. मतलब ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड डेरिवेशन है. सो इसमें तो कुछ था ही नहीं ना सीखने के लिए भी. पिछले डेरिवेशन में हमने फिर भी सीखा कि F इज इक्वल टू दी ILB, वही बेसिक फॉर्मूला जो हम पढ़ते आए हैं. इस डेरिवेशन में तो बस L का इंटीग्रेशन है. क्लोज्ड सर्किट में क्या होगा, अभी क्लोज सर्किट में बाकी सारे स्टेप्स तो यहाँ तक सेम आएंगे, यहाँ तक तो सारे स्टेप्स सेम आएंगे, राइट. कुछ भी नया नहीं आएगा. सो उसके बाद क्या होगा, जो इंटीग्रेशन होगा उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होगी, बिकॉज वो क्लोज सर्किट है. समझो ये सर्किट स्टार्ट भी यहाँ से किया तो ख़त्म भी यहाँ से होगा, राइट. सो अगर दोनों लिमिट सेम है तो कुछ भी आंसर हो क्या मिल जाएगा हमें, सीधा जीरो मिलेगा, राइट. अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो. सो क्लोज्ड सर्किट के तरफ से कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का आता है जीरो. सो ये थे 3 हमारे डेरिवेशंस. मुझे नहीं लगता है ज़्यादा त्रास आया होगा अब तक, आगे चल के आएगा, ठीक है, फिक्र मत करो, अभी तक तो नहीं आया होगा. सो देखते हैं एक अलग डेरिवेशन, टॉर्क ऑन अ करंट लूप. बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है बट यहाँ पर मैं आसान भाषा ही फॉलो करूँगा. बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर हमने दो मैग्नेट लिए हैं, नॉर्थ और साउथ. उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉयल लिया है, उसको रख दिया है, ठीक है. रेक्टेंगुलर कॉयल में करंट पास हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड वैसा करके यहाँ पर रख दिया है. यहाँ से फील्ड निकल रही है नॉर्थ से साउथ. तो अभी यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वो है टॉर्क. क्या फाइंड करना है हमें, टॉर्क फाइंड करना है. स्मार्टली सोचो, आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गया है कि फोर्स की फॉर्मूला क्या है. फोर्स की फॉर्मूला है QVB साइन ऑफ टीटा, ठीक है. यहाँ पर वो नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ILB साइन ऑफ टीटा, क्योंकि यहाँ पर हम करंट पास कर रहे हैं. अल्टीमेटली हमारे हाथ में करंट है.
सो आई एल बी साइन थीटा मतलब क्या हो गया, वो आई इन टू एल क्रॉस बी। ओके ये हो गई फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू दी आई एल बी। तो ध्यान से देखो बी का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और अगर मैं ये आर्म कंसिडर करूँ, इधर आपको आर्म्स कंसिडर करनी है, आर्म ए बी, आर्म बी सी, आर्म सी डी और आर्म ए डी, ठीक है। इस तरीके से आपको आर्म्स कंसिडर करनी है रेक्टेंगल की। अगर आप ध्यान से देखो ये आर्म जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और जो ये वाली लेंथ है वो तो इसी डायरेक्शन में है बी के साथ, तो टीटा कितना हो गया, टीटा हो गया 0। सो साइन टीटा कितना हो गया, साइन टीटा भी हो गया 0। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स भी हो गया 0। आसान भाषा में, बुक में बहुत अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग लेवल पर लिखे गए हैं, ये रीजन भी बोर्ड एग्जाम में लिखोगे डजेंट मैटर, क्योंकि डायरेक्ट मैथमेटिक्स से भी कई बार फिजिक्स हार्ड हो जाती है, तो वहाँ फिर मैथमेटिक्स ईजी पड़ती है। ओके सो ये दोनों आर्म में तो एंगल 0 है, बी बी इस डायरेक्शन में है, एल बी इस डायरेक्शन में है, सो दैट्स इट। सो ये दोनों तो कुछ भी फोर्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों आर्म की, तो यहाँ पर अभी लगेगा फ्लेमिंग्स हमारा राइट हैंड रूल। अभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में वही है, फर्स्ट फिंगर करंट बताती है, मिडिल फिंगर बी बताती है, एंड थम हमारा फोर्स बताता है, वहाँ पर थम मोशन का डायरेक्शन बताता था। सो मैग्नेटिक फील्ड है राइट के तरफ, ठीक है। सो मिडिल फिंगर है हमारी राइट के तरफ, फर्स्ट फिंगर है करंट के तरफ, करंट किस तरफ है, करंट आपके तरफ आ रहा है, तो करंट हो गया इस तरफ। ओके सो मिडिल फिंगर मेरी बी के तरफ और करंट आई के तरफ, तो फोर्स कहाँ पर हुआ, एक सेकंड, मिडिल फिंगर इस तरफ, करंट उस तरफ, तो फोर्स कहाँ हुआ, सो फोर्स मुझे दिखा रहा है यहाँ पर, राहुल देवानी आप क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड है, काफ़ी गलत, आपकी मार्क्स माइनस होंगी। वही मैं सोचूँ फोर्स ऊपर कैसे आ रहा है, राइट हैंड यूज़ करना है। ओके सो मिडिल फिंगर है यहाँ पर, मिडिल फिंगर डायरेक्शन बता रही है बी का, सो बी है मेरा इस तरफ, करंट है मेरा सीधा आपके तरफ, सो फोर्स कहाँ पर है, फोर्स है नीचे की तरफ, सो यहाँ पर मैंने बना दिया है एफ एम नीचे की तरफ है। उसी तरीके से यहाँ पर हम कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा करंट आ रहा है मेरे तरफ, ओके सो करंट है मेरे तरफ, बेसिकली फील्ड है इस तरफ, फील्ड है इस तरफ, तो फोर्स होगा ऊपर की तरफ, सो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ऊपर की तरफ। सो बेसिकली यही दो जगह हैं जहाँ पर फोर्स लगेंगे, इनको बोलते हैं कपल फोर्सेस, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉर्क के लिए, यही चीज़ों को रोटेट हमारी करेंगे। सो ये जो बोल रहा हूँ इसी को आप थ्योरी में लिखते चले जाएँ, यही आपको एग्जाम में करना है। सो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर इन टू एफ। आर यहाँ पर क्या है, तो देखो ये हमारी एक सेंट्रल एक्सिस है, मैंने वाइट कलर से बनाई है, ओके और ये है मेरी समझो लेंथ एल वन, ठीक है। कुछ भी नाम लो आपके ऊपर है, एल ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने एल लिया था पहले, फिर देखो वाइट कलर से वन लिखा है वहाँ पर, कुछ भी नाम ले लो। ओके सो ये है समझो लेंथ एल वन। सो आर कितना है, आर मेरा मतलब यहाँ से एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, जो टॉर्क में करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इन टू फोर्स, सो ये है हाफ एल वन। ओके यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरी लेंथ अगर एल वन है, सो ये एल वन है पूरी लेंथ, सो हाफ लेंथ कितनी हो गई, हाफ लेंथ होगी हाफ एल वन, सो ये हो गया मेरा टॉ इज इक्वल टू दी हाफ एल वन इन टू एफ। एफ यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं आई एल बी साइन टीटा, और टीटा यहाँ पर कितना है, टीटा 90 डिग्री है। ओके अभी अभी जस्ट दिखाया मैंने आपको लेंथ इस तरफ है, ओके ये वाली लेंथ इस तरफ है, लेंथ इस तरफ है और हमारा फील्ड इस तरफ है, सो ये एंगल हो गया बेसिकली 90 डिग्री। ओके सो ये होगा आई एल बी, सो टॉक कितना मिलेगा मुझे, टॉक मुझे ये क्वांटिटी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। करंट आप आई ही बह रहा है, लेंथ एल टू ले लो, सो ये टॉक हुआ इस तरफ एक तरीके के फोर्सेस के लिए, दूसरे फोर्स के लिए भी सिमिलर एक्सप्रेशन मिलेगा वहाँ पर भी। ओके सिमिलर एक्सप्रेशन, सिर्फ कुछ भी फर्क नहीं होगा, सेम ही सब एक्सप्रेशन मिलेगा, आप करके देख सकते हैं, एंड फाइनली दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा वन, सो ये हमको फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा है मैंने, तो कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। लोग हाफ के प्रति कंफ्यूज हैं, तो कुछ लोग बोल रहे थे मेरे ही स्टूडेंट सर वो आधा ऊपर जा रहा है, आधा ऊपर जा रहा है, आधा नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली एक्सिस से देखो ना, एक्सिस इतनी है, एक्सिस ये है, तो डिस्टेंस यहाँ से हाफ। ओके यही तो हम करते हैं रोटेशनल मोशन में। ओके सो दैट्स इट, यहाँ से हमें मिल गया ये क्वांटिटी। फिर अगर कॉइल्स में टर्न्स प्रेजेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो सिंपली एन से मल्टीप्लाई करते हैं हम, एंड फिर अगर मैं देखूँ एल वन एल टू, तो ये हो गया एल वन, ये हो गया एल टू, ये समझो ए, ये है बी, सो ए इन टू बी क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो फाइनली हमें ये फॉर्मूला मिलती है फॉर टॉर्क, दैट्स इट, नथिंग न्यू। ओके कुछ भी इसमें न्यू नहीं है, वही सब एक्सप्रेशन है, फाइन। सो ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सब कुछ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके सो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर L1 L2 में थोड़ा सा ध्यान देना, लोग मिस्टेक करते हैं,
सो आप बेटर यही है सब सेम ही कंसीडर करें जैसा बुक में है, इसको एल वन इसको एल टू, ये लेंथ है हमारी एल टू। ओके बढ़ते हैं आगे। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, सो करंट और वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द टॉर्क जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। ऐसा एक रूट डायग्राम वहाँ पर गिवन है, इस वजह से मैं पूरा बना भी नहीं रहा हूँ। इसकी वर्किंग जो बेस्ट है वो दूसरे इसके नेक्स्ट चैप्टर में समझाई गई है ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब भी हमें बनानी हो तो आप मैग्नेट का शेप ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये होती है टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड जो कि 90 डिग्री जाएगी, एकदम सीधा लाइन। रेडियल मतलब ऐसा नहीं, रेडियल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर मतलब ये फील्ड कुछ हमेशा ऐसे जाएगी। ओके तो इस वजह से आपको केयरफुल रहना है कि आप जो कर्व बना रहे हैं एग्जाम में वो ऐसा बनाएं जब भी आपको रेडियल फील्ड चाहिए। लॉजिक यहाँ पर यही है, यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ पर एक ऊपर फोर्स आएगा, यहाँ पर एक नीचे फोर्स आएगा, ये टॉर्क आएगा, टॉर्क से स्प्रिंग रोटेट होगी, स्प्रिंग से ये कर्व रोटेट होगा, यहाँ पर हम लगा देंगे एक पॉइंटर जो हमको कुछ भी रीडिंग लेके बताएगा। टॉर्क अभी अभी फाइंड किया हमने फॉर्मूला जो कि है एन ए आई बी। ओके काफ़ी फॉर्म्स हमने फाइंड किए, पीछे भी एक फॉर्म किया था, सो यही फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। टॉर्क इज इक्वल्स टू दी एन आई ए बी साइन ऑफ टीटा। साइन ऑफ टीटा यहाँ पर हम रेडियल के लिए साइन ऑफ टीटा हमेशा होता है 90 डिग्री। कोई पूछ सकता है साइन ऑफ टीटा हमेशा 90 डिग्री क्यों? क्योंकि वो रेडियल है। आप इमेजिन करो ना, आप एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, ये आपका सर्कल है, ठीक है। ये समझो आपके हाथ में सर्कल है, मम्मी का एक चूड़ी ले लो, ठीक है, और वहाँ से आप एक पॉइंट पे सब्सटेंड करो, तो देखो हमेशा एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। ओके सो वो हो जाएगा वन। सो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए बी एंड दैट्स इट। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर उन्होंने वही बोला जितना करंट ज़्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। करंट बढ़ा दो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ऑफकोर्स ही बात है, फोर्स बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। फिर रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क में एक स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा के टाइम्स ऑफ फाई। सो फिर वो और वो इक्वल हो जाएंगे। रीस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? हमारे नॉर्मल वाले टॉर्क के। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू दी यहाँ पर हो जाएगा के फाई इज इक्वल्स टू दी दिस। सो यहाँ से मुझे डिफ्लेक्शन की भी एक फार्मूला मिल जाएगी, जिससे जो मेरा अजम्पशन था कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, वो मुझे यहाँ पर ट्रू मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगेन बेसिक प्रिंसिपल है। फॉल्ट यहाँ पर डायग्राम में है, विजुअलाइज करना थोड़ा सा टफ है। सो बेहतर है जो इसके नेक्स्ट चैप्टर में मैंने वीडियो में भी कराया है और जो सिलेबस में भी है वो डायग्राम आप फॉलो करें। सो फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें एग्जाम्पल के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ, स्टूडेंट्स के डाउट के साथ सब कुछ कवर कराया है। सो यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, वहाँ पर 7-8 मिनट लिए थे तो वापस तो बोर हो जाएगा जो लोग पूरी सीरीज देख रहे हैं। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वैसे ही है, एक न्यूक्लियस के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। सो जिस तो इस सर्किट को, इसको मैं एक सर्किट कंसिडर कर सकता हूँ, ओके, एंड इसके थ्रू जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा करंट टाइम्स जो एरिया इसने ऑक्यूपाई की है। बट अगर इन केस यहाँ पर मैं टर्न्स ले लेता हूँ, समझो एक कॉयल के जगह मैं एक ऐसे टर्न्स वाला पूरा कुछ सरफेस कंसिडर करता हूँ, तो वहाँ पर एन भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। एंड इसको ही हम इस चैप्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिंबल से, कुछ भी और नहीं है। म्यू इज इक्वल्स टू दी एन आई ए, जहाँ पर ए है एरिया ऑफ ईच टर्न और एन है ऐसे जितने टर्न्स हैं और आई है हमारा करंट। ओके सो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि टॉर्क इज इक्वल्स टू दी होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर भी हम देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू दी, यहाँ पर भी हम देखेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू दी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। एकदम सिमिलर है, एनालॉगस है। ओके फिर आ जाते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था यू इज इक्वल्स टू दी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डॉट प्रोडक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम लाइंस पे यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस म्यू बी कॉस ऑफ टीटा। बस आपको यही कंपेयर करना है एग्जाम में भी। एंड यहाँ पर दो स्पेशल केसेस हैं। केस वन, अगर टीटा इन केस जीरो है, टीटा जीरो है मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। सो कॉस ऑफ टीटा हो जाता है मैक्सिमम यूजुअली, बट यहाँ पर माइनस की साइन है। माइनस की साइन है मतलब ये हो जाएगा मिनिमम, समझ रहे हो आप। वैसे मैक्सिमम होता है ना, जब भी कॉस ऑफ टीटा वन हो
राइट, तो मैक्सिमम होता है, बट यहाँ पर माइनस की साइन है तो यही वैल्यू हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। उसी तरीके से अगर टीटा 180 है यानी कि म्यू उस तरफ है, बी इस तरफ है, तो कॉस ऑफ 180 होता है माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर म्यू बी, जो कि है मैक्सिमम वैल्यू। सो दैट्स इट, आपको कोई प्रूफ कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला लिख के दो केसेस यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद से शुरू होता है बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है हमारा कूलम्स लॉ, या फिर जितना इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रेविटेशनल लॉ इन ग्रेविटी। ओके, सो बायोट सावर्ट्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, इसका एक डेरिवेशन है क्लास 11th में, कि अगर एक नॉर्मल वायर है और ये एक पॉइंट है, मुझे कैलकुलेट करना है इस वायर से कुछ करंट बह रहा है आई, और मुझे पता है इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो मुझे इस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो वो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, सो इंटेंसिटी डिपेंड करेगी जितना मेरा करंट फ्लो हो रहा है, करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। इंटेंसिटी डिपेंड करेगी जितनी मैंने लेंथ कंसिडर की है, इंटरेस्ट में समझो मैं बोलता हूँ इस इतने सेक्शन ऑफ लेंथ के वजह से यहाँ पर कितना करंट है, फिर मैं बड़े दूसरे केस में बोलता हूँ इतने सेक्शन की वजह से कितना करंट है, तो बेसिकली डिपेंड करेगा लेंथ पे भी, डिपेंड करेगा टीटा पे भी कि वो किस तरफ है, मेरा ऑब्जेक्ट किस तरफ है, यहाँ पर है टीटा 90 डिग्री है, सीधा है, पैरेलल है, ऑफकोर्स बात है एंगल हर बार मैटर करता है, या टीटा जीरो है, सो इस और ऑफकोर्स बात है जितना मैं दूर चलता जाऊँगा उतनी मेरी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जो कि स्क्वायर लॉ हर जगह ओबे होता है, तो इन्हीं सबको कंबाइन करके हम बनाते हैं आईडीएल साइन ऑफ टीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, एंड जब कांस्टेंट हटता है, इक्वालिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, और इसको यहाँ पर थोड़ा डिसेंट दिखाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर, एंड ये हो जाता है नीचे फिर आर का क्यूब, बिकॉज आर और आर एडजस्ट किया हमने, एंड यही के फिर हम बाद में बोलते हैं कि है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बायोट सावर्ट्स लॉ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आगे चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ से चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है एकदम, डेरिवेशन डेरिवेशन एंड ऑल। सो ये है नॉर्मल फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ और ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। अगर कोई पूछे कि साइन टीटा कहाँ से आया क्रॉस प्रोडक्ट, तो तब हम आर और आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब नीचे आर क्यूब हो जाता है और ऊपर हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू डीएल, बिकॉज ये एंगल किसके बीच में है, ये एंगल है, ये जो डिस्टेंस है आर और जो यहाँ पर मैंने डीएल एलिमेंट कंसिडर किया था, इनके बीच का ये एंगल है। बढ़ते हैं आगे बायोट सावर्ट्स लॉ पे, मैंने 2018 मैं में वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, सर्च कीजिए मिल जाएगी। उसके बाद आता है करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, एप्लीकेशन है बायोट सावर्ट्स लॉ का। तो एक मेरे पास लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, इस पे मुझे बस करंट मैग्नेटिक करंट यहाँ से पास हो रहा है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो एक सेक्शन कंसिडर करूँगा, सेक्शन कंसिडर होगा मेरा डीएल, डीएल से यहाँ पर लाइन बनाऊँगा मैं, जो डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर। ओके, एंड यहाँ से मैं एक और डिस्टेंस बनाऊंगा स्मॉल आर, जो करंट वायर के ऊपर का पीक है, सो ये डिस्टेंस मुझे बस डी बी यहाँ पर बायोट सावर्ट्स लॉ लगा दूंगा मैं। ओके, एंड मुझे क्या फाइन करना है, मुझे फाइन करना है बी, तो बी फाइन करना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बरोबर। सो मुझे पता है म्यू जीरो कॉन्स्टेंट है, फोर कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, सब चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, राइट। साइन टीटा को मैं कुछ कर सकता हूँ क्या यहाँ पर, तो येस, यहाँ पर अगर ये एंगल मेरा टीटा है, ओके, ये एंगल मेरा टीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस टीटा, बिकॉज एक लाइन में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, सो साइन ऑफ टीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस टीटा, वो तो फिर से साइन टीटा ही मिलता है ना, तो यहाँ पर मैं इस वजह से लगा दूंगा साइन ऑफ टीटा। साइन ऑफ टीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट है ये आर, हाइपोटेन्यूस है ये आर, सो ये आर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है एल का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एल पूरी नहीं है, सिर्फ वो सेक्शन है एल, एंड यही चीज़ें यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा। ध्यान से देखें अगर आप, तो ये आर भी कांस्टेंट है, डीएल से उसका कुछ वास्ता नहीं है, ये भी बाहर आ जाएगा। नीचे का जो टर्म है वो देखो कुछ ऐसा है, एक्स रेस टू रूट यानी कि एक्स रेस टू हाफ टाइम्स एक्स, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स रेस टू 1/2 + 1 विच इज़ एक्स रेस टू 3/2, इंटीग्रेशन में बहुत बार किया होगा। ओके, सो देखो ये ऐसा ही कुछ हो गया यहाँ पर, एंड इसका इंटीग्रेशन अगर आपको फाइंड करना है तो टेक्स्ट बुक के ऊपर देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि इसका इंटीग्रेशन कैसे 1/r² होता है, एंड 1/r² इसका इंटीग्रेशन यहाँ से आ जाएगा, सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, एंड फाइनली हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, और ये एक्सप्रेशन है पूरी वायर के वजह से वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था,
न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं आधी वायर के वजह से कितना था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है हाफ से, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा 4 का टर्म। ओके दैट्स इट, आपको ये याद रखना है, याद रखो नहीं तो क्या होगा, भूल करके आओगे एग्जाम में। म्यू जीरो आई अपॉन में 2πr। ओके कब, जब एक सीधी वायर है और आपको बाजू में एक पॉइंट है। फिर आ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स। अभी देखो ये मैं लेक्चर के स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा करवा चुका हूँ, इसमें वही लॉजिक लगेगा। ये एक सीधी वायर है, ओके करंट इसका इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल अगर लगाऊं तो मुझे नजर आएगा कि राइट हैंड थंब रूल से इस तरफ, अगर ये मेरी वायर है यहाँ से मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो मेरी कर्ल फिंगर्स अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर के डायरेक्शन में। और फिर यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो मुझे फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में, ये करके दिखाया था एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो। फिर अगर यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो यहाँ पर फील्ड मिलेगी बाहर के डायरेक्शन में और यहाँ पर फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये जो बनी है मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड लूप पे किसके वजह से बनी है, तो बनी है फर्स्ट के वजह से, यानी कि जो फर्स्ट में करंट बह रहा है उसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा B21, यानी कि जो फर्स्ट के वजह से सेकेंड पे मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो ये किसके बराबर होगी, तो ये तो अभी अभी हमने किया था म्यू जीरो आई अपॉन 2πr, हमने यही तो किया। एक वायर है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट के साथ ही अभी हमारी वायर एसोसिएटेड है ना। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बट समझ में आ जाएगा आपको, इस पे भी प्लेबैक स्पीड बड़ा मत देना नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा। ओके सो म्यू जीरो आई वन, क्योंकि आई वन करंट के वजह से ये फील्ड बनी है, अपॉन में 2πdd इज द बीच का डिस्टेंस। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ B12 जो कि हो जाएगा म्यू जीरो आई टू अपॉन में 2πd। सेम लॉजिक सेम रूल्स। फिर निकालेंगे फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू दी आईडियल इंटीग्रेशन ऑफ बी जो पहले किया था, बट यहाँ पर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे बिकॉज हमको लेंथ में इंटरेस्ट नहीं है। तो बुक में भी देखो उन्होंने एफ डैश लिख दिया है, एफ डैश इज इक्वल टू दी एफ अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो आपको कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर वहां पर आप यही वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे बी की तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एंड सेम एक्सप्रेशन आपको दूसरे फोर्स के लिए भी मिलेगा। बट हमको पता है कि ये फोर्स का डायरेक्शन अगर राइट हैंड साइड है तो दूसरे का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, तो किसी भी एक को आप दूसरे के बराबर ले लो विथ अ साइन ऑफ माइनस। इसमें कुछ भी करने जैसा नहीं है, वही चीज़ें हैं, आपको दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम मिलेगी, दोनों इंडक्शन की वैल्यू में सिर्फ आई वन आई टू का फर्क होगा। फोर्सेस की वैल्यू तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ तो दोनों जगह से सेम ही मिलेगा, जस्ट फर्क है इनके डायरेक्शन में। ओके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ओके वन शॉट है, ज़्यादा पॉज नहीं ले सकता हूँ, वही है आई एल वी साइन थीटा में आंसर डाला है और कुछ नहीं किया है। ओके कुछ भी एल्स नहीं। फिर आ जाती है बात कि समझो एक वायर ऐसी है और मुझे एक यहाँ पर कुछ फाइन करना है, मतलब एक सर्कुलर आर्क के वजह से फाइन करना है। सो अगेन यहाँ पर मैंने लिख दिया बायोट सर्वर्ट्स लॉ मेरा वापस से, ठीक है। अगेन आप कंसिडर करो, समझो ये आपका एक सर्कुलर रिंग है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो वो दोनों एक दूसरे से 90° एंगल बनाती है, ये बात फिक्स है। समझो ये चलो सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है मेरी, ठीक है। अभी यहाँ से एकदम सीधी लाइन बनाओ, एकदम सीधी लाइन बनाऊंगा तो कहाँ आएगी, कुछ यहाँ पर, यहाँ से एकदम सीधी लाइन बनाओ आएगी यहाँ पर, यहाँ से सीधी लाइन तो वो सब 90° रहता है, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा वैनिश। एंड फाइनली यही एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डी एल यहाँ पर क्या है, डी एल है यहाँ पर 2πr। ओके देखो पीछे वाले स्टेप का इंटीग्रेशन, बट इसमें प्रॉब्लम है एक, डी एल क्या है मेरा। सो डी एल बेसिकली आपको पता होगा एस इज इक्वल टू दी आर टीटा यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये होता है टीटा, ये होता है आर, ये होता है एस, बरोबर। एंड यही अगर इस सिचुएशन में देखो तो मैंने क्या लिया है, ये लिया है मैंने डी एल, ये लिया है आर, ये लिया है टीटा, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे मिलेगा डी एल इज इक्वल टू दी आर डी टीटा। ओके सो आर डी टीटा यहाँ पर पुट कर दिया डी एल के जगह पे, अभी आर और आर हो जाएगा कैंसिल, आर का डी टीटा का कोई वास्ता नहीं है, सो आर भी हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। इंटीग्रेशन ऑफ डी टीटा इज इक्वल टू डी टीटा, एंड टीटा कितना होता है 360°, यानी कि 2π। सो ये जनरल फॉर्मूला है, और ये अगर फुल सर्कुलर वायर है, तो पूरा सर्कुलर है तो टीटा में जो 2π पुट करना है तो क्या हो जाएगा 2π, 4π यहाँ पर हो जाएगा ऐसा, एंड फाइनल आंसर ये मिलेगा। तो सारांश क्या है यहाँ पर, अगर आपको सिर्फ एक आर्क के लिए बोला है तो आपको आंसर यहीं पर छोड़ना है, क्योंकि उन्होंने टीटा डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ आपको ऐसा करके छोड़ा है, सो आपको यहीं पर आंसर छोड़ना है। बट अगर पूरी सर्कुलर वायर बोली है तो टीटा के जगह 2π की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर आ जाता है एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, समझो ये एक्स और वाई प्लेन में
है तो आपको पॉइंट एक जेड प्लेन में है, तो अगेन बायोट सावर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिख दो, ये है मेरी जेड एक्सिस, ये है मेरा स्मॉल आर जो कि डिस्टेंस है, ये है मेरा कैपिटल आर। जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो यूज सिंबल स्मॉल आर, जब भी रेडियस कैलकुलेट करना हो यूज सिंबल प्लस आर, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। सो दैट्स इट, यहाँ पर मैं स्मॉल आर की जगह अपना एक्सप्रेशन पुट कर दूंगा एंड ये आर और ये आर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा आर का स्क्वायर और रूट हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, बिकॉज अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा आता बरोबर। सो ये हो जाएगा कैंसिल। अभी यहाँ पर फाइनल इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। यहाँ पर एक अलग लॉजिक और लग जाता है कि देखो यहाँ पर कैसा लॉजिक है, समझो ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ओके। सो इस पॉइंट के वजह से ऊपर एक सेक्शन कंसिडर किया मैंने डीएल, तो डीएल के वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी, डीबी डायरेक्शन में। अभी डीबी को मैं वेक्टोरियली रिजोल्व कर सकता हूँ दो कंपोनेंट में, एक हो जाएगा डीबी एक्स कंपोनेंट, एक हो जाएगा डीबी वाई कंपोनेंट। उसी तरीके से ये तो मैंने डीएल मनमर्जी से कंसीडर किया था ना, मुझे तो पूरे के पूरे सर्कल में कंसीडर करने हैं एलिमेंट्स। समझो मैं यहाँ पर एक मिरर रख देता हूँ और अब यहाँ वाला डीएल कंसीडर करता हूँ, तो अगर नीचे का डीएल कंसीडर करूँगा तो फोर्स क्या आएगा, तो कुछ ऐसा डीबी आएगा मेरा। अगेन डीबी को अगर मैं रिजोल्व करूँ तो क्या होगा, डीबी को रिजोल्व करूँगा तो एक कंपोनेंट आएगा डीबी वाई डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट वापस से आ जाएगा डीबी एक्स डायरेक्शन में। तो बेसिकली सिमेट्री के वजह से जो भी y एक्सिस के कंपोनेंट हैं सारे के सारे खुद को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज समझो पांच कंपोनेंट यहाँ से आए, ओके पांच कंपोनेंट ऊपर से आए तो पांच कंपोनेंट नीचे से आएंगे, तो ये तो ऊपर वाले नीचे वाले कैंसिल कर देंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुझे नेट रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पर होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड वाले डायरेक्शन खुद को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज मैंने वैक्टर मेरा कुछ ऐसा इमेजिन किया है वर्टिकली बुक के हिसाब से, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा डी बी जेड एंड वो भी उसका कॉस ऑफ टीटा का कंपोनेंट। कॉस ऑफ टीटा क्यों, बिकॉज मैंने एंगल उस हिसाब से कंसिडर किया है, ये टीटा है, ये टीटा है, तो यहाँ पर ये टीटा होगा, ये टीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ टीटा, यानी कि ये बी कॉस ऑफ टीटा, ओके। सो फिर कॉस ऑफ टीटा को हम वैल्यू फाइंड करेंगे, सो कॉस ऑफ टीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आर बाय जेड, राइट। पीछे से अगर हम देखें कॉस ऑफ टीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाय जेड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, देन वही वैल्यू आर पे लगा देंगे पैथागोरस, देन यहीं पर सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर देखो बी जेड पे सब्सटीट्यूट करेंगे, बी जेड इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस ऑफ टीटा। तो बहुत लोग बोलते हैं सर कॉस कहाँ से आया, कॉस यहाँ से आया, हमने ये कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी डी बी का इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा डी बी कॉस ऑफ टीटा एंड यहाँ से वापस सब चीज़ें सब्सटीट्यूट करो, सेम लॉजिक डी एल कॉस ऑफ टीटा की वैल्यू डालो एंड डी एल के जगह यहाँ पर आप पूरा टू पाई आर लिखेंगे, बिकॉज मैंने अज्यूम किया है ना मैं पूरे के पूरे सर्कल का ले रहा हूँ, इसी वजह से तो यहाँ पर मैं आधे कंपोनेंट्स कैंसिल किए, तो यहाँ पर मुझे डी एल का इंटीग्रेशन लूँगा टू पाई आर, पाई पाई कैंसिल, टू वन ज़ा टू टू ज़ा एंड फाइनली मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पर। सो वही कह रहा था मैं डेरिवेशन, ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, इट्स मैथमेटिकली ओरिएंटेड चैप्टर। फाइनली मैग्नेटिक लाइन्स फॉर अ करंट लूप, अभी समझो एक करंट का लूप है और उसके लिए मुझे मैग्नेटिक लाइंस चाहिए, तो वही पीछे वाला एक्सप्रेशन हम लेंगे। समझो सेंटर ऑफ द लूप पे जाऊँ मैं, एकदम बीच में, ओके हाइट पे जाऊँ ही नहीं, सेंटर में चला जाऊँ, तो z0 तो यहाँ पर कंपोनेंट जीरो, तो यहाँ पर कंपोनेंट जीरो, तो बचेगा आर स्क्वायर रेस टू थ्री बाय टू, सो ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ बचेगा आर का क्यूब, ऊपर है आर का स्क्वायर, तो इनिशियली सिर्फ नीचे बचेगा एक आर, ओके। एंड अगर n टर्म्स हैं तो मल्टीप्लाई कर दो सेम चीज़ों को बाय n, ओके दैट्स इट। सो एम्पियर्स लॉ यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा स्टार्ट होता है जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम यहाँ पर एम्पियरन लूप बनाएंगे, यानी कि सॉरी जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसियन सर्फेसेस लेते थे डेरिवेशन में, इमेजिनरी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम एम्पियरन सर्फेसेस कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस, मतलब जो भी मैंने लूप कंसीडर किया, देखो लूप है तो वो क्लोज्ड ही रहेगा बरोबर, सो जो भी होगा बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू दी होगा म्यू जीरो और आई से मल्टीप्लाइड। सो दिस इज द बेसिक एंड एग्जांपल तौर पे उन्होंने बुक में बोला है कि समझो आपके पास चार वायर्स हैं, जो एक दो अंदर जा रही हैं दो बाहर आ रहा है जिनमें से करंट, और आप समझो एक एम्पीरियन लूप बनाते हो जिसमें आप एक करंट कंसिडर नहीं करते हो, सो देन क्या होगा इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन वही होगा बी डॉट डी एल, क्या होगा वो हो जाएगा बी कॉस ऑफ टीटा टाइम्स डी एल म्यू जीरो आए, तो आए के जगह आप क्या ऐड करोगे, अभी यहाँ पर हाँ वही लूप का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सो देखो ये मेरे दो सर्फेसिस हैं और ये एक तीसरा सर्फेस है करंट का,
अभी मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया है। क्या एम्पीरियन लूप रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? आंसर है नहीं। तो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उसको लूप है, लूप में मतलब करंट बह रहा है उसमें से, ऐसा अज्यूम्ड है। तो मैं उसको डायरेक्शन कोई भी दे सकता हूँ, तो मैं ये डायरेक्शन भी दे सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी क्लॉकवाइज भी। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेरा फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आएगा, फील्ड का डायरेक्शन आएगा बाहर। तो बाहर कौन सा डायरेक्शन है? बाहर आई वन का डायरेक्शन है करंट का, और आई टू का डायरेक्शन है। तो मेरे आंसर में आई वन और आई टू रहेंगे पॉजिटिव, आई थ्री रहेगा नेगेटिव। तो ये सब चीज़ें हमारे कन्वीनियंस पे डिपेंड करती है। एक्चुअली ये क्लास ट्वेल्थ में उतना डिटेल में है ही नहीं, ओके। जिनको ऊपर से जा रहा है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो टॉपिक ऐसा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ओके। सो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, आपको एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करना है एंड आगे प्रोसीड करते जाना है। सो अगेन यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो इमेजिन करो एक वायर है जिसके थ्रू करंट बह रहा है। अभी मुझे किसी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, कैसे करूँ? तो अभी मैं इमेजिन करूँगा एक पूरा का पूरा इधर सर्कुलर लूप, कि पूरा का पूरा एक सर्कुलर लूप है, ओके। सर्कुलर लूप इमेजिन करूँगा, जो डिस्टेंस है यहाँ से समझो एक पॉइंट कंसिडर करूँगा, यहाँ पर एक डी एल सेक्शन कंसिडर करूँगा, ये डिस्टेंस बना दूंगा आर जो कि होगा रेडियस, समझ रहे हो बात को। सो यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा जो हमने बायोट सर्वर्स लॉ से एक्सप्रेशन फाइंड किया था, ये बायोट सर्वर्स लॉ से कर चुके हैं, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो टू पाई टाइम्स आई बाय आर। सो दैट्स इट, बस एम्पीडियन के सर्किट के फॉर्मूला में डाल दूंगा मैं बी डॉट डी एल, एंड डी एल यहाँ पर क्या है, सो डी एल है हमारा आर डी टीटा, जैसे एस इज इक्वल टू डी आर टीटा होता था। सो डी टीटा यहाँ पर कितना है, डी टीटा है यहाँ पर टू पाई, सो ये टू पाई आर, टू पाई आर हो जाएगा कैंसिल, सो ये मिला म्यू जीरो आई। अरे यही तो मैंने आपको कहा था, म्यू जीरो आई इज इक्वल टू दी बी डॉट डी एल। सो दैट वॉज जस्ट अ प्रूफ ऑफ द एम्पीरेंस लॉ। तो जितना इज्जत कूलम्स लॉ का था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उतना इज्जत होगा बायोट सावर्ट्स लॉ का मैग्नेटो स्टैटिक्स में। फाइनली लास्ट के दो डेरिवेशंस ऑन द सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, आप वायर बहुत सारी ऐसे लपेट दो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सोलेनॉइड। टोरॉइड मतलब उसी को आप थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में लपेट लो। तो यहाँ पर अभी अगेन क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड के बीच से इंटेंसिटी मैग्नेटिक लाइंस की ज्यादा होगी बिकॉज वहां पर करंट ज्यादा है, ओके। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। तो रेक्टेंगुलर शेप का है तो मैं उसको पूरा ऐसे कंसिडर नहीं करता हूँ कि पूरा एम्पीरियन लूप सोलेनॉइड को कवर कर रहा है, नहीं, आधा कवर कर रहा है आधा कवर नहीं कर रहा है। तो मेरे पास एक सर्फेस मिल जाएगा ए बी जो एकदम टोरॉइड सोलेनॉइड के सेंटर से पास हो रहा है, मेरे पास एक सर्फेस मिलेगा बी सी जो ऊपर जा रहा है, एक ए डी, एंड फाइनली एक सर्फेस डी सी। सो अगेन यहाँ पर मैं लगा दूंगा मेरा एम्पियर का लॉ, देन सी को मैं स्प्लिट अप कर सकता हूँ एज सरफेस ए बी में, सरफेस बी सी में, सरफेस सी डी में, एंड सरफेस ए डी में। ध्यान से अगर मैं देखूँ जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है सरफेस बी सी को और ए डी को, बी सी इस तरफ है, ए डी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ जाएगी, ओके, जैसे ये मैंने डायरेक्शन बनाया है। सो ये तो हो गई इनको 90 डिग्री, साइन कॉस ऑफ 90, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 मतलब जीरो, तो दो कंपोनेंट यहाँ से हो जाएंगे वैनिश। फर्दर मोर मुझे पता है डीसी हवा में है, हवा में कुछ भी फील्ड नहीं है, फील्ड सब अंदर की तरफ है, तो डीसी पे जो इंटेंसिटी रहेगी वो डेंसिटी बहुत कम है लाइन्स की, तो डीसी पे भी ऑलमोस्ट जीरो रहेगी, यानी कि जो काट साठ की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ आएगा ए बी से। सो दैट्स इट, ए बी से कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर करूंगा, एंड वही फॉर्मूला आई की यहाँ पर मैं पुट करूंगा, बी डी एल की फॉर्मूला यहाँ पर पुट करूंगा, एंड दैट्स इट एन एल आई। एंड यहाँ पर मुझे एक सेकंड, नहीं मिस्टेक हो रही है कुछ तो, सो ये फॉर्मूला मुझे यहाँ से मिलेगी बी डॉट डी एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ए और बी क्या है, ए और बी पूरा का पूरा लेंथ के अक्रॉस आ रहे हैं, तो ये मिलेगा बी एल। सो दिस इज एक्सप्रेशन फर्स्ट। सेकेंड एक्सप्रेशन देखो, पहले से ही हम सोलेनॉइड का यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं कि फॉर अ सोलेनॉइड जो करंट होता है वो होता है लेंथ टाइम्स करंट टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स। ये स्पेशल कंडीशन है फॉर सोलेनॉइड, क्योंकि एक वायर होती है तो हम उसमें होते हैं करंट आई है, अगर उसमें से करंट नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं तो हम बोलते हैं एन आई है, बट यहाँ पर तो लेंथ भी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, प्लस करंट भी है, तो उसके लिए हम सोलेनॉइड के लिए बोलते हैं एन एल आई। सो फाइनली मैं कह सकता हूँ अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट करूंगा एंड मुझे बी का ये फॉर्म मिल जाएगा। सो दिस वॉज ड्यू टू सोलेनॉइड। टोरॉइड की बात करें तो अगेन मैं पूरा एक ऐसा सरफेस इमेजिन करूंगा सर्कुलर, तो मैंने यहाँ पर देखो एक सर्कुलर सा लूप बनाया है पूरा,
सो ये फॉर्मूला हमें पता है एम्पियर के सर्किट से। अब यहाँ पर लेंथ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये मुझे पता है ऐसा होना चाहिए। देन यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो कि मिलेगा 2πr, सो इसको और इसको इक्वेट कर दूंगा, सो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, सो इस वजह से एक स्मॉल एन को ले लूंगा मैं नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में 2πr, एंड मुझे ये एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल जाएगा। सो इसी तरीके से ये चैप्टर होता है ख़त्म। इस चैप्टर में अगर आपने नोट किया हो, मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया है, बिकॉज जो डेरिवेशंस हैं वो खुद में ही बहुत ज़्यादा हैं। ओके, उनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत डिटेल्ड हैं, हाँ ऐसे बहुत फास्ट में हमने किया है कोशिश, बट काफ़ी डिटेल्ड स्टफ़ है ये। सो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड हुआ होगा, बाकी एज इफ तो पूरा ड्राई मैथमेटिक्स था आज के सेशन में। ओके, सो ये हमारा 15th चैप्टर है, बाकी एक वीडियो बची है सिर्फ मेरे तरफ से, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, शेयर करने में शर्माएं नहीं।